Hello friends, this video is about cloud computing. I'm going to give introduction on cloud computing. People have different opinions on cloud computing, but I am going to concentrate on the technical part of it as a computing model. And one more interesting thing about this video is I'm making this video in Hindi. Hope this may be easy for understanding, and also it will be helpful for remembering the topic. Okay, let us start. Introduction ko maine teen topics mein baata hai, teen sub topics mein. Computing models hai, evolution of cloud computing aur cloud business. Jaisa ki maine bataya hai, logon ka apna apna opinion hai, alag alag opinion hai cloud computing ke bare mein. To pehla कंप्यूटिंग मॉडल जो टॉपिक है वो मैं इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ. रिमेनिंग दो टॉपिक्स जो है वो अगले वीडियो में देखेंगे आप. नेक्स्ट, कंप्यूटिंग मॉडल. कई तरह के कंप्यूटिंग मॉडल्स हैं जिसमें मैंने यहाँ कुछ लिस्ट बनाए हैं जो क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड हैं, जैसे कि डेस्कटॉप और क्लाइंट सर्वर, क्लस्टर, ग्रिड, उसके बाद आता है क्लाउड कंप्यूटिंग. हम इनके बारे में एक एक करके जानेंगे ताकि हमको क्लियर आइडिया हो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है. पहला है डेस्कटॉप कंप्यूटिंग. डेस्कटॉप यानी सिंगल पीसी, इंडिपेंडेंट और इंडिविजुअल पीसी. ये एक आदमी यूज़ करता है इसको, और इसको कोई नेटवर्क या इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है. सिंगल पीसी से ही सारा काम किया जा सकता है इस पर सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल करके. जैसे ये पर्सनल और प्रोफेशनल यूज़ के लिए आता है, या ऑफिस या डेस्कटॉप पब्लिशिंग के काम में आता है सिंगल पीसी यानी डेस्कटॉप. प्रोफेशनल ऑथर्स, डॉक्टर्स या प्रोग्रामर्स, इंजीनियर्स इसको यूज़ करते हैं. इन कामों के लिए हम तरह तरह के सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हैं. जो सॉफ्टवेयर्स यहाँ मैंने लिस्ट बना रखी है, जैसे कि एमएस ऑफिस है, ऑटोकैड जो स्ट्रक्चर डिज़ाइनिंग के काम में आता है, मैकेनिकल और सिविल इंजीनियर्स यूज़ करते हैं, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, ग्राफिक डिज़ाइनर्स यूज़ करते हैं, 3D स्टूडियो मैक्स जो एनिमेशन के काम में आता है, और रिमेनिंग जो बाकी के सॉफ्टवेयर्स है वो प्रोग्रामर्स यूज़ करते हैं एप्लीकेशंस या वेबसाइट्स बनाने के लिए. तो ये सारा काम सिंगल पीसी से हो जाता है, प्रोफेशनल या पर्सनल वर्क. अब आगे बढ़ते हैं, क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग. क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग बिजनेस के लिए इस्तेमाल में आता है. हम कई तरह के कंपनीज़ या बिजनेसेस और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में हम देखते हैं जहाँ पर कई सारे उनके एम्प्लॉयज़ कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं. जैसे कि मान लो एग्जांपल बैंक ले लो. बैंक में आप कई काउंटर्स होते हैं, और वहाँ पर आप देखते हैं कि उनके एम्प्लॉयज़ कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं, और वो सारे कंप्यूटर्स कोई ना कोई एक सर्वर से कनेक्टेड हैं. और अक्सर ये देखा जाता है कि डेटाबेस सर्वर पर रखा जाता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स क्लाइंट मशीन पर रन होते हैं. ये मशीन्स क्लाइंट एप्लीकेशन रन करते हैं जो ये डेटाबेस सर्वर से डेटा एक्सेस करते हैं. तो यह है क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग. ये कई सारे बिजनेसेस में यूज़ में आता है, जैसे कि बैंक्स है या रिटेल स्टोर्स है, मार्केटिंग, सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन, तरह तरह की कंपनीज है, और वो तरह तरह का वर्क के लिए क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग मॉडल यूज़ करते हैं. इनको जो सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत पड़ती है वो अकाउंटिंग, फाइनेंस, सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन, ERPs की ज़रूरत पड़ती है. ERP जो सॉफ्टवेयर होता है कंप्लीट बिजनेस सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, और एक कस्टमाइजेबल सॉफ्टवेयर होता है. जैसे कि मान लो बैंकिंग के लिए एक ERP है, तो वो कोई भी बैंक के लिए काम में आ जाएगा. जैसा कि HDFC है और ICICI है, इनका काम करने का तरीका तो अलग है, लेकिन वो एक ही ERP यूज़ कर सकते हैं, और वो ERP को वो अपनी तरह से कस्टमाइज़ कर लेंगे और यूज़ करेंगे. तो ERPs बहुत बड़े सॉफ्टवेयर्स होते हैं, और ये सॉफ्टवेयर्स जो कंपनीज बनाती हैं और ये सप्लाई करती है, वो कंपनीज़ के नाम यहाँ लिखे हैं SAP, Oracle Labs, Microsoft Dynamics. ये कंपनीज है जो बड़े ERPs बनाती हैं और बड़ी कंपनीज को अपना सॉफ्टवेयर्स बेचती हैं या सर्विस सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं. अब हम देखेंगे क्लाइंट सर्वर में एक प्रॉब्लम या एक सिचुएशन जिसका हम सॉल्यूशन देखेंगे आगे.
मान लो किसी ने बिजनेस स्टार्ट किया और क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग मॉडल वो यूज़ कर रहा है, कई सारे क्लाइंट्स हैं और एक सर्वर है। मान लो उसका बिजनेस ग्रो होने लगा तो उसको और भी ज़्यादा क्लाइंट मशीन्स ऐड करने पड़ेंगे, और वो सारे मशीन्स जब ये सर्वर से ऐड होंगे तो सर्वर पर लोड ज़्यादा हो जाएगा। तो जब लोड ज़्यादा हो जाएगा तो हमको दूसरा सर्वर लेना पड़ेगा। तो मान लो एक एग्जांपल लेते हैं हम, जैसा कि एक आदमी है, उसके पास स्विफ्ट कार है और उसकी फैमिली आराम से वो कार में आ सकती है। चलो किसी तरह उसके फैमिली में मेंबर्स बढ़ गए हैं, अब उसको वो कार बस नहीं हो रही है, तो उसके पास दो ऑप्शंस है, चाहे तो वो बड़ी कार ले सकता है या तो फिर और एक स्विफ्ट कार ले सकता है जिसमें दोनों कार मिलाकर उसकी फैमिली आराम से आ जाएगी। उसी तरह जब ये कई क्लाइंट्स एक सर्वर से कनेक्ट होंगे और इस पर लोड ज़्यादा हो जाएगा तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। पहला, या तो ये सर्वर हटाकर हाई कॉन्फ़िगरेशन वाला सर्वर लगा दो जिसको हम यूजुअली मेन फ्रेम कहते हैं, या दूसरा ऑप्शन ये है कि इसी तरह का और एक सर्वर लगा दो ताकि दो सर्वर्स मिलकर एक जैसा काम करेंगे और इस सारे क्लाइंट्स को सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो ये मॉडल था क्लस्टर कंप्यूटिंग। इस डायग्राम में, इस पिक्चर में देख सकते हैं आप, एक से ज़्यादा सर्वर्स लगे हैं, वो मल्टीपल क्लाइंट्स को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और ये दो सर्वर्स मिलकर लोड बैलेंस कर रहे हैं। तो लोड बैलेंसिंग या लोड शेयरिंग के लिए क्लस्टर कंप्यूटिंग यूज़ होती है। जब कंप्यूटिंग रिसोर्सेस की ज़रूरत ज़्यादा पड़ने लगती है तो हमको एक से ज़्यादा सर्वर्स ऐड करने की ज़रूरत पड़ती है। ये दो जो सर्वर्स है ये होमोजेनस सर्वर्स होंगे, यानी इन पर ऑपरेटिंग सिस्टम एक जैसा होगा, शायद हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन भी एक जैसा ही होगा, और इन पर जो सॉफ्टवेयर्स रन हो रहे होंगे वो भी एक जैसे होंगे। यानी ये डेटाबेस सर्वर है तो ये भी डेटाबेस सर्वर है। ये क्लाइंट मशीन जब सिर्फ अपना डेटा स्टोर करेगा सर्वर में, वो पता नहीं या ये सर्वर में स्टोर हो या वो दूसरे सर्वर में स्टोर हो, लेकिन ये सारा मिलकर एक कंप्यूटर जैसा काम करेगा सिर्फ। यानी ये सारे क्लाइंट मशीन ये दोनों सर्वर को मिलाकर एक सिस्टम की तरह देखेंगे। नेक्स्ट, कुछ बड़े कंपनीज हैं जिनको हंड्रेड्स या थाउजेंड्स में ऐसे सर्वर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ये पिक्चर में आप देख सकते हैं कई सारे सर्वर्स लगे हैं और ये सारा क्लस्टर है, यानी होमोजेनस कंप्यूटर्स है, सारे एक जैसे कंप्यूटर्स है, सब मिलकर एक काम कर रहे हैं एज अ सिंगल मशीन। यानी टीम वर्क हो गया है, टीम वर्क। आजकल जो क्लस्टर्स आते हैं इस तरह से आते हैं, अलमायरा में सारे सर्वर्स लगे हैं, सारे सर्वर कंप्यूटर्स लगे हैं। नेक्स्ट आते हैं हम ग्रिड कंप्यूटिंग। ग्रिड कंप्यूटिंग भी एक क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग का स्पेशल केस है। मान लो एक कंपनी ने अपना ब्रांच स्टार्ट किया दिल्ली में, वहाँ पर उसको क्लाइंट और सर्वर लगे हैं, यूज़ कर रहा है। उसी तरह उसने और एक सिटी में ब्रांच ओपन किया तो वहाँ पर भी उसको क्लाइंट और सर्वर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह अगर इसका बिजनेस फैलता जाए अलग अलग सिटीज़ में, तो ये चाहेगा कि ये सारे सर्वर्स एक नेटवर्क में आ जाए ताकि सारी कंपनी के सारे ब्रांचेस मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन जैसा काम कर सके। तो ये डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशंस पर मशीन्स है और वो सारे मशीन्स को एक जैसा एक सिस्टम में कन्वर्ट कनेक्ट किया जा सकता है, एक नेटवर्क में कनेक्ट किया जा सकता है, तो उसको कहेंगे ग्रिड। तो ये एक सिचुएशन है या एक स्पेशल केस है जिसमें सर्वर्स फिजिकली डिफरेंट लोकेशंस पर है। तो क्लस्टर और ग्रिड में एक डिफरेंस ये हो गया कि क्लस्टर में सारे मशीन्स एक जगह रहेंगे और ग्रिड में मशीन्स डिफरेंट लोकेशंस पर भी हो सकते हैं। नेक्स्ट, हम क्लाइंट का सर्वर कंप्यूटिंग में एक और एक सिचुएशन देखेंगे, और एक स्पेशल केस देखेंगे जो कि फिर ग्रिड कंप्यूटिंग की तरफ जाता है। मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग सर्विसेस रन करना चाहती है, जैसा कि डेटाबेस सर्वर चाहिए उसको, ईमेल्स सेंड और रिसीव करने के लिए मेल सर्वर चाहिए, फाइल्स स्टोर करके रखने के लिए फाइल सर्वर चाहिए। तो एक से ज़्यादा सर्वर्स चाहिए अलग अलग सर्विसेस के लिए। तो ये हेट्रोजेनस सर्वर्स हो गए, शायद इन पे ऑपरेटिंग सिस्टम भी अलग हो, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ये सारे सर्वर्स मिलकर एक सिस्टम जैसा काम करेंगे।
तो ये सारे डिफरेंट सर्वर्स जो अलग अलग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं मिलकर एक सिस्टम जैसा काम करेंगे, तो ये भी ग्रिड कंप्यूटिंग ही कहलाएगा। ये पिक्चर में आप एग्जांपल देख सकते हैं जिसमें एक सर्वर पे एक्टिव डायरेक्टरी रन हो रहा है, तो फाइल सर्वर रन हो रहा है, नेक्स्ट में मॉम सर्वर यानी मेल ऑर्डर मैनेजमेंट सर्वर कहेंगे, या एक में मेल सर्वर रन हो रहा है जो कि ईमेल सर्वर कहते हैं। तो ये डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं अलग अलग मशीन्स, तो ये सारे मशीन मिलकर एक सिस्टम बनेगा जिसको हम ग्रिड कंप्यूटिंग कहेंगे। ये मशीन सेम लोकेशंस पे भी हो सकते हैं या डिफरेंट लोकेशंस पर भी हो सकते हैं। अब आते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग ग्रिड और क्लस्टर कंप्यूटिंग का कॉम्बिनेशन है। मान लो एक मल्टीनेशनल कंपनी है जिसके ब्रांचेस सारी दुनिया में हैं, अलग अलग कंट्रीज में इसके ब्रांचेस हैं, तो हर जगह इसके सर्वर्स लगे हैं, यानी कंप्यूटिंग रिसोर्स, कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इसके सर्वर्स लगे हैं। तो ये सारे सर्वर्स मिलकर एक ग्रिड बन गया। ये बबल्स देखेंगे आप, ये सारे बबल्स ज्वाइन करके ग्रिड बन गया, और हर बबल के अंदर एक से ज़्यादा सर्वर्स लगे हैं, तो वो एक से ज़्यादा सर्वर एज ए क्लस्टर काम करेंगे। तो ये ग्रिड ऑफ क्लस्टर्स है, यानी क्लस्टर्स का ग्रिड हो गया है, तो इसको कहेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग। जो कंपनीज जो वर्ल्ड वाइड एग्जिस्टेंस है जिसका और इनका बिजनेस पूरी दुनिया में फैला है, उनको इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि एग्जांपल कंपनीज ले लो, टोयोटा है, वॉलमार्ट या सिटी बैंक, इनको इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है, और इन ये कंपनीज के खुद के ओन क्लाउड होते हैं, यानी कई हंड्रेड्स या थाउजेंड्स सर्वर्स मिलाकर इनका एक नेटवर्क बना होता है। हर सिटी में, हर कंट्री में इनके सर्वर्स हो सकते हैं, और वो सारे सर्वर्स मिलकर एक सिस्टम जैसा काम करते हैं। तो इन पर जो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो सॉफ्टवेयर्स रन होते हैं जो इन बिजनेसेस के लिए काम में आते हैं, वो सॉफ्टवेयर ये कंपनीज प्रोवाइड करती हैं, SAP, ओरेकल ऐप, माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक। इसमें एक और एक बात ये है कि टोयोटा कंपनी ऑटोमोबाइल कंपनी है, तो ये तो चाहेगी कि वो अपने ही काम पर ध्यान दे, वो नहीं चाहेगी कि ये सर्वर्स के पीछे ये अपना वक्त जाया करे या इसके लिए एम्प्लॉयज हायर करें, तो ये चाहेगी कि ये काम कोई और संभाल ले। तो हाँ, ये काम इनका मेंटेनेंस का काम या इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने का काम ये दूसरी कंपनीज को देती हैं, वो कंपनीज है IBM, डेल, इंटेल, HP, सन। तो ये जो कंपनीज IBM, डेल, ये जो कंपनीज है, ये इनको इनका इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करती हैं, यानी इनको टेक्निकल सर्विस प्रोवाइड करती हैं। तो ये है क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग कई बड़े कंपनीज यूज़ करती हैं और कई टाइम से यूज़ कर रही हैं। ये कुछ नया टर्म नहीं है, लेकिन कॉमन मैन के लिए नया टर्म बना है।